सीधे रायपुर ले चलते जहां पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लाइव है। कुछ ही देर में दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने एक साल के कार्यकाल की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। आम जनता खाते में कुछ आ नहीं रहा है। केंद्र को क्या कुछ लिखा है आपने? खनिज के रॉयल्टी को 4,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसे हुआ। देखिए जो जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सब खदानी निरस्त केंद्र सरकार ने निरस्त की उस समय जो पैसे पटाने के जो आदेश हुए थे कोर्ट से वो पैसा राज्यों का था और जब वो राज्यों का पैसा है लगभग 4,000 करोड़ और ये पैसा हमारे प्रदेश के खदानों से के लिया गया और वो केंद्र सरकार ने रखा तो पैसा हमको वापस मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पत्र लिखा है। पावर कट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, आज एक स्टिंग में सामने आया कि कुछ अधिकारी जो है वो पैसा लेकर पावर कट करते हैं, आप लोगों के आरोपों की कहीं ना कहीं पुष्टि हुई, किस तरह से देखते हैं? मैंने उस समय कहा भी था और उसमें कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई थी और यदि इस प्रकार से मिलीभगत साबित होता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में आप जा रहे स्टार प्रचारक के तौर पर, दिल्ली दौरा कब से आपका शुरू होगा? दिल्ली चुनाव विधानसभा चुनाव दिल्ली पीसीसी जिस दिन कार्यक्रम थे उस दिन जाएंगे। बजट को लेकर लगातार चर्चा की है आपने तमाम विभागों से, इस बार क्या लगता है, क्या कुछ सौगातें प्रदेशवासियों को मिल सकती है? बजट में इस समय जहाँ विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ किस विभाग में क्या क्या काम नए लेना है उसके बारे में चर्चा हो रही है और साथ ही पूरे प्रदेश के लोगों से भी हमने सुझाव मांगे हैं और आज उद्योगपति और व्यापारियों के संगठन से भी मैंने चर्चा की है, बहुत अच्छे सुझाव सवाल है। आनंद के बाद तैनात है, आपने एक बार दिया उनको खुशी है, लेकिन जो लाइन में जो पोस्ट है उनमें इस बात उनको लाइन में है ना चलो देखेंगे। कहा है अमित शाह ने अभी अभी एक बयान में कहा है कि राहुल बाबा एंड कंपनी कान खोलकर सुन लो, हमें जितनी गालियां दे रहे दो, हमारी पार्टी जितनी गालियां दे रहे दो, अगर भारत माता को टुकड़े करोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। ये हिटलर की भाषा है। हिटलर ने कभी जर्मनी में भाषण देते हुए कहा था जितना मुझे गाली दे सकते हो दो, लेकिन जर्मन को मत दो। ये यही बात मोटा भाई भी बोल रहे हैं और छोटा भाई भी बोल रहे हैं, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अमित शाह जी ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से झूठ कौन बोल रहे हैं? एक कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा, दूसरा बोलते नहीं होगा, डिटेंशन सेक्टर एक है बोलते हैं, दूसरा नहीं है, तो दोनों में से झूठ कौन बोल रहे हैं? और ये जो मार है, चाहे CAO हो, NPR हो, चाहे NRC हो, ये सारे आम जनता पर प्रभाव पड़ना है, गरीब लोगों में प्रभाव पड़ना है। जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां से दूसरे प्रदेश नहीं गए हों, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे रोजी रोटी के लिए हो, चाहे उद्योग व्यापार के लिए हो, वो सब प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश गए ही हैं, वो सब लोगों की परेशानी आनी है, केवल एक जाति एक कौम एक धर्म वाली बात नहीं है। और खासकर उन लोगों के लिए जो लैंडलेस हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। पंजाब की तरह क्या यहाँ प्रस्ताव लाया जाएगा? देखिए हमने शुरू से कहा कि NRC लागू होगा तो मैं पहला आदमी हूँ जो उसमें हस्ताक्षर नहीं करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, करेंगे अभी आने दो तो उनको। आंदोलन भाजपा भी यहाँ पर कर रही है, हाल ही में एक आंदोलन हुआ था, उन्होंने पद यात्रा निकाली थी, शक्ति प्रदर्शन किया था, उप मुख्यमंत्री को एम भी आया था यूपी के, वो डिप्टी सीएम वहाँ पहले अपना उत्तर प्रदेश संभाल ले जहाँ 28 लोगों की जाने गई है, उसको पहले संभाल ले, वो संभाल ले रहा है, यहाँ क्या आग लगाने आए? शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में अभी भी स्टाफों की कमी है, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? हम लोग लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर
पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं, दिल्ली जा रहे हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, जहां पर एक साल के पूरे कार्यकाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। रायपुर के